ओके तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरी बैटरी खत्म हो गई थी तो बीच में से मेरा वीडियो स्टॉप हो गया। तो जहाँ से बाकी है वहां से इस पार्ट में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ अंदर, बराबर। तो न्यूटन का पार्ट क्या हुआ था भाई, यहाँ पे ब्राउन प्रूफ जो हुआ था अंदर, बराबर। तो यहाँ पे लाप्लास ने सजेस्ट किया क्या कि जहाँ पे कंडेंसेशन रीजन क्रिएट होता होगा वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए, और वेर एवर द रेयर फ्रैक्शन रीजन इज क्रिएटेड एट द टाइम इट मस्ट बी डिक्रीजेस। सो हियर द प्रोपोगेशन ऑफ द साउंड इन अ मीडियम कांट बी कंसिडर एज द आइसोथर्मल, बिकॉज आइसोथर्मल इज सेड दैट द टेम्परेचर मस्ट बी कॉन्स्टेंट। ओके, बट यहाँ पे तो क्या एक रीजन में ज्यादा टेम्परेचर है जबकि दूसरे में तो क्या कम है, तो यहाँ पे उसको आइसोथर्मल नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्चुअल में होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन रेयर फ्रैक्शन इन द मीडियम इज सो क्विक। यहाँ पे कंडेंसेशन रेयर फ्रैक्शन का जो क्रिएशन होता है जब साउंड वेव ट्रैवल करता है वो प्रोसेस वो इतनी क्विक होती है, बराबर। सो द हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कंडेंसेशन, तो जो कंडेंसेशन के टाइम पे हीट प्रोड्यूस होगी विच इज इमीडिएटली एब्जॉर्ब एट द सेम प्लेस ड्यूरिंग द रेयर फ्रैक्शन बिफोर बीइंग डेसिपेटेड टू द आउटसाइड, यानी कि बाहर वो डेसिपेट हो उससे पहले वो जो हीट होगी वो रेयर फ्रैक्शन वाला रीजन जो उसके बाद का क्रिएट होगा वो उसको क्या कर देगा, एब्जॉर्ब कर लेगा अंदर। समझ में आ रहा है, क्योंकि कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, जैसे कंप्रेशन आगे जाएगा तो उसके पीछे रेयर फ्रैक्शन, तो कंप्रेशन ने जो पार्ट पे टेम्परेचर इंक्रीज किया वहां पे अब रेयर फ्रैक्शन आएगा तो वो सारी की सारी हीट को क्या कर देगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और दूसरा, हम जानते हैं कि जो हमारी एयर है वो भी हीट की इंसुलेटर है, तो वो भी उतना ज्यादा जल्दी से लॉस नहीं कर पाएगी जितना जनरली मेटल्स में हमको देखने को मिलता है, बराबर। सो द प्रोसेस ऑफ साउंड प्रोपोगेशन इन द गैस इज कंसिडर्ड टू बी एडियाबेटिक इंस्टेड ऑफ दी आइसोथर्मल। तो एडियाबेटिक हमको कंसिडर करना पड़ेगा, ना कि हमको आइसोथर्मल। एडियाबेटिक यानी कि ऐसी प्रोसेस जहां पे एनर्जी कॉन्स्टेंट रहती हो, स्पेशली हीट एनर्जी, बराबर। तो यहाँ पे जो बल्क मॉड्यूलस की बात है वो आइसोथर्मल वाला नहीं, पर एडियाबेटिक प्रोसेस का हमको क्या यूज करना पड़ेगा, बल्क मॉड्यूलस यूज करना पड़ेगा। तो उसने इसका डेरिवेशन कैसे किया और क्या फाइनल हमारा इक्वेशन मॉडिफाइड हुआ वो हम ये स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे अंदर, बराबर। तो यहाँ पे क्या है कि एडियाबेटिक अगर हम प्रोसेस लेते हैं तो उसके लिए जो इक्वेशन है वो क्या है, पीवी रेस टू कौन, पीवी इक्वल टू कौन सा है, पीवी रेस टू गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट है अंदर, जहां पे गामा अपने आप में क्या है, तो गामा एक रेशियो है दो स्पेसिफिक हीट का, बराबर। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ दी वन मोलर जो क्वांटिटी है उसका एट अ कांस्टेंट प्रेशर और दूसरा एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, तो सीपी डिवाइड बाय सीवी का जो वैल्यू होता है वो एयर के लिए सीपी का 7 मिलता है और जो सीवी का वैल्यू है वो 5 मिलता है, तो 7/5 करो तो आपको गामा की वैल्यू एयर के लिए मिलेगी। तो ये जो गामा है बराबर वो यहाँ पे पावर में है, तो अगेन जैसे न्यूटन ने किया वही चीज लाप्लास ने भी किया, डिफरेंशिएशन किया अंदर, तो कॉन्स्टेंट का तो डिफरेंशिएशन 0 होगा, यहाँ पे फर्स्ट क्वांटिटी ऐसे सेकंड का डिफरेंशिएशन करो तो गामा आगे आएगा और एक पावर क्या होगा, कम होगा, सेकंड क्वांटिटी एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन अंदर। समझ में आ रहा है, अब क्या करूं, ये पूरी क्वांटिटी को राइट हैंड साइड ले जाओगे तो क्या होगा, माइनस होगा, तो पी गामा वी रेस टू गामा माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा भाई, वी गामा, बराबर। और क्या आएगा, डीपी बाय डीवी होगा और साइन माइनस आएगी अंदर। अभी वी रेस टू गामा माइनस है उसको क्या लिख सकते हैं, वी रेस टू गामा इंटू वी रेस टू माइनस 1, तो ये वी रेस टू गामा और ये वी रेस टू गामा सामने सामने से क्या हो जाएगा, कट हो जाएंगे, और यहाँ पे वी रेस टू माइनस 1 है सामने भेजोगे तो 1 डिवाइड बाई वी रेस टू माइनस 1 होगा, और माइनस को प्लस पावर करना है तो न्यूमिरेटर में ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते अंदर, बराबर। तो फाइनली आपको गामा पी इक्वल टू इक्वेशन क्या मिलेगा भाई, डीपी बाई डीवी तो था ही और इनटू वी मिलेगा। अब ये वी न्यूमिरेटर में तो डिनोमेटर, अब डिनोमेटर में भेजते तो हमको बल्क मॉड्यूलस का इक्वेशन मिल रहा है अंदर। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी के हिसाब से बल्क मॉड्यूलस का इक्वेशन जो न्यूटन ने खाली बोला कि प्रेशर लेना है, तो लाप्लास ने क्या बोला, ना भाई गामा पी लेना है अंदर, क्या लेना है, गामा पी लेना है, एंड दिस इज द कॉल एडियाबेटिक प्रोसेस ऑफ बल्क मॉड्यूलस, यानी कि एडियाबेटिक प्रोसेस का बल्क मॉड्यूलस का इक्वेशन क्या है भाई, गामा पी है अंदर, बराबर। समझ में आ रहा है सबको इतना, तो आगे ये पॉइंट में बात करें तो हमको पता क्या चलता है कि ये अगर हमको बल्क मॉड्यूलस मिलता है तो वो जो स्पीड का इक्वेशन था उसमें बी की जगह अगर मैं गामा पी रखू, बराबर, और उसके हिसाब से मैं कैलकुलेट करूं तो गामा की वैल्यू 1.4 यानी कि 7/5 क्यों हुए, मैंने आगे की स्लाइड में आपको बताया, बराबर। तो हमने ऑलरेडी न्यूटन में पी बाय रो का कैलकुलेशन किया था जो हमको 280 मिला था, तो अब बचा क्या, अंडर रूट गामा से मल्टीप्लाई करने का, तो जिसकी वैल्यू 1.4 है और उसका स्क्वायर रूट करो और फिर उसको 280 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 331 जितना कोई आंसर
मिलेगा अंदर, समझ में आ रहा है? तो यहाँ से पता क्या चल रहा है भाई हमको अंदर, हमारा जो भी यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है ये इक्वेशन के हिसाब से, वो एक्चुअल में एसटीपी के जो साउंड की स्पीड है उसके साथ बहुत क्लोजली मैच हो रहा है अंदर, बराबर। ये चीज अब सजेस्ट कर रही है हमको अंदर कि अगर मुझे आइडियल केस की सिचुएशन में अगर मुझे स्पीड की कैलकुलेशंस करनी है किसके साउंड के लिए, तो मैं न्यूटन का इक्वेशन की जगह किसका यूज करूंगा, लाप्लास के इक्वेशन का यूज करूंगा अंदर, समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, बराबर। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि कुछ और भी फैक्टर है जो स्पीड की साउंड पे अफेक्ट करते हैं, हम यही इक्वेशन से कंटिन्यू करके वो जो बाकी के फैक्टर है उसको समझने का क्या करेंगे, भी ट्राई करेंगे अंदर, समझ में आ रहा है सबको इतना पॉइंट, बराबर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है अंदर, अगर हम वन मोल जितना गैसेस को कंसिडर कर रहे हैं, बराबर, तो इक्वेशन ऑफ द स्टेट फॉर द वन मोल ऑफ आइडियल गैस, तो आइडियल गैस का जनरल इक्वेशन तो क्या था भाई, PV equal to mu RT, पर mu की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं अंदर, तो P equal to आपको क्या मिलेगा, RT और V multiply सामने जाएगा, divide by में जाएगा, तो ये जो P का वैल्यू है, मैं V के इक्वेशन में P की जगह replaced कर दूं अंदर, बराबर, तो V equal to क्या मिलेगा भाई, गामा RT और divide by V rho मिलेगा, पर हम जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू तो क्या है भाई, मास बाय वॉल्यूम, यस और नो, तो मास इक्वल टू क्या होगा, रो इंटू वी होगा, तो यहाँ पे भी देख सकते हो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी है, तो उसकी जगह मैं मास लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, तो यहाँ से मुझे पता चल जाए कि स्पीड का और किसी पे भी डिपेंडेंसी हो किस पे, कि भाई आपका जो मॉलिक्यूलर मास है, जो गैस है उसका कोई ना कोई मॉलिक्यूलर मास होगा, वो मास कितना है उसके इनवर्स प्रोपोर्शन में, स्क्वायर रूट के, और दूसरा उसका जो टेम्परेचर है उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अंदर, समझ में आ रहा है, पर वो भी क्या स्क्वायर रूट वाले के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अंदर, बराबर। तो इस तरह से आपको यहाँ पे पता चलता है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, पर कौन सा वाला, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि केल्विन वाले टेम्परेचर से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में अंदर, समझ में आ रहा है। और दूसरी बात करें तो प्रेशर और डेंसिटी के हिसाब से बात करें, तो अगर मैं अपनी प्रोसीजर को कांस्टेंट टेम्परेचर के हिसाब से देखूंगा, बराबर, तो जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना डेंसिटी भी बढ़ेगा, यानी कि पी का इंक्रीमेंट और रो का इंक्रीमेंट सेम होगा, तो उसकी वजह से पी बाय रो का रेशियो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा अंदर, बराबर। तो यहां से मुझे पता क्या चलता है कि वेलोसिटी में, बराबर, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर अगर मैं कांस्टेंट ले रहा हूं, तो एट ए टाइम स्पीड ऑफ द साउंड इन द गैस डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेशर ऑफ द गैस एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट ह्यूमिडिटी, यानी कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी नहीं बदल रहे, तो फिर यहाँ पे आपको स्पीड ऑफ साउंड में कोई चेंज देखने को मिलेगा नहीं, यानी कि वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, वो ज्यादा होगा कम होगा उससे कोई फर्क पड़ता नहीं अंदर, समझ में आ रहा है। और दूसरी और बात करें कि अगर हम ये साउंड को एयर की जगह वाटर के बारे में सोचे, या तो फिर अगर हमारे एटमोस्फियर में मॉइस्चर ज्यादा है, वाटर वेपर ज्यादा है, बराबर, तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर जो है वो लेस देन दैट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द ड्राई एयर एट द सेम प्रेशर, लेकिन सेम प्रेशर में वाटर वेपर की डेंसिटी क्या है, कम है, बराबर। तो डेंसिटी कम होगी तो वी का डिपेंडेंसी रो पे देखने जाए तो इनवर्स प्रोपोर्शन है अंदर, बराबर। तो हम बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे मॉइस्चराइजर ज्यादा होगा एटमोस्फेयर में तो भी स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि मॉइस्चर ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगा, और डेंसिटी कम होगा तो रेशियो बड़ा होगा, इसलिए स्पीड आपको क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी अंदर, समझ में आ रहा है। सो स्पीड ऑफ द साउंड इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी, बराबर, तो जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो हमारे साउंड की जो स्पीड है वो भी क्या बनेगी, ज्यादा बनेगी अंदर, बराबर। तो उसके बेस पे आपको एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दिया गया जो जीएसईबी टेक्स्ट बुक का है, वेलोसिटी ऑफ साउंड 27 डिग्री सेल्सियस 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी इज 345 मीटर पर सेकंड, तो जब 127 डिग्री सेल्सियस होगा 75 सेंटीमीटर प्रेशर पे, बराबर, तो क्या होगा, तो हमने अभी बात की वो प्रेशर पे तो डिपेंड करता नहीं है, तो प्रेशर की वैल्यू चाहे जो भी हो कोई फर्क पड़ता नहीं है, और वेलोसिटी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन क्या है, वी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी है अंदर, तो हम ये वाली फॉर्मूला बना सकते हैं अंदर रेशियो लेके कि वी टू बाई वी वन इक्वल टू अंडर रूट टी टू बाई टी वन, पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेना यानी केल्विन वाला, तो सेल्सियस वाले को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, सिंप्लीफाइड करेंगे, डिवीजन करके स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड कर दो, और वी टू वी वन आपके पास अवेलेबल है तो वी वन सामने जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आपका आंसर मिलेगा, और सच बोले तो ये प्रैक्टिकल वैल्यू के साथ भी क्या होता है, मैच होता है अंदर, समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, बराबर। और फिर आपको यहाँ पे एक्सरसाइज का फोर्थ नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, बराबर, जो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि भाई आपको लाप्लास ने जो इक्वेशन डिराइव करके किया तो वो फॉर्मूला का यूज करके
आपको प्रूव करना है कि साउंड की जो स्पीड है वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया क्यों इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज क्यों होती है क्योंकि प्रोपोर्शन में, इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी क्यों होती है क्योंकि भाई जो हमारा डेंसिटी है बराबर वो इनवर्स प्रोपोर्शन में, और ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने से डेंसिटी कम होती है बराबर तो भी हमारी स्पीड बढ़ेगी। तो यही चीज का डेरिवेशन आपको यहाँ पे दिया गया है, तो मैंने आगे समझाया उस तरह से एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो भी चलेगा और टेक्स्ट बुक में भी उसी तरह से पर थोड़ा टिपिकल यानी कि थोड़ा टफ करके दिया है तो आप उस तरह से करना चाहते हो। तो मेरे हिसाब से ये वाला कंसेप्ट आप प्रीवियस वाली चीज से करो, शॉर्ट भी पड़ेगा और एक्सप्लेनेशन पार्ट भी आपके लिए क्या होगा भी थोड़ा इजी होगा, अंदर समझ में आ रहा है बराबर। तो हमने 15 चैप्टर में यहाँ तक का जो सिलेबस है वो एग्जाम के लिए कंसीडर किया है, तो आप अच्छे से वीडियो को लर्न करना और इसकी जो मैंने जो हमने स्लाइड अभी बनाई उसकी ही आपको पीडीएफ में अभी जस्ट शेयर कर दूंगा अंदर, तो आपको उसमें से ही पढ़ना है ताकि आपका जो रीडिंग पार्ट है वो थोड़ा बहुत इजी हो जाएगा अंदर बराबर। तो आपकी एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट, अच्छे से फेयर मीन से एग्जाम देना बराबर, और इस तरह से एग्जाम देना ताकि नेक्स्ट ईयर हमको जब फेयर मीन आए तो हमको ये प्रॉब्लम क्रिएट ना करे बराबर, क्योंकि हर चीज का अच्छा उपाय एक ही है कि हम मेहनत करके कुछ काम करें, क्योंकि मेहनत से जो हासिल होता है बराबर वो हमको हर बार आगे ले जाने का ट्राई करता है, पर ऐसे ही हमको कुछ मिल जाता है तो हमको उसकी वैल्यू नहीं रहती और लास्ट टाइम पे वही हमको क्या करती है, डिमोरलाइज करती है बराबर। तो आपका जो भी टाइम शेड्यूल और जिसके हिसाब से भी आपको इंस्ट्रक्शन दी जाए उसके हिसाब से वही टाइम पे आप फेयर मीन से एग्जाम देना, ऐसी हम सारे साइंस टीचर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं बराबर, ताकि आपका अच्छा रिस्पांस मिले और अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद हम ट्वेल्थ में भी और अच्छा इम्प्रूव वर्जन में हमारे ये जो नॉलेज शेयरिंग का वाया ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन, ऑफलाइन का ऑप्शन मिले तो ऑफलाइन, तो हम हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो अच्छे से कंटिन्यू कर पाए। ओके थैंक यू।